जी मेरा भाई है, लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब वहां बैठने वाले तो बहुत है, यहां बैठने वालों की कमी है, इसलिए यहां बैठने है तो हमको वंदन करना है। हम इतिहास इतिहास सुनाते हैं पर इतिहास को बचाने का कोई प्रयास नहीं करते, उसका परिणाम क्या निकलता है? इतिहास बिना वर्तमान के बच नहीं सकता बंधु, चाहे कितनी डेगरी लगा ले। जब कैरियर बनाने का समय है तब वो कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, राष्ट्रवाद पे खतरा आ गया, जैसे सारा ठेका इन्हीं ने ले रखा। अरे ना हिंदुत्व खतरे में ना राष्ट्रवाद खतरे में, तेरी अपनी जाति, तेरा अपना समाज, तेरा अपना क्षत्रिय जो खतरे में है उसको बचा। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। मेरा अनुरोध रहेगा कि इधर ज्यादा ना हो, फिर थोड़ी लिखा पढ़ी कागज पत्र एफिडेविट वहां दे दो, आप मत ले जाओ वहां लो एफिडेविट, आप क्या लेना क्या करना है। तो हमको इतिहास बचाने के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। आज के आधुनिक इतिहास पर भी हम गौर रहे, तो मैं उन्होंने जाने वाला हूं, ऐसे हमारे महापुरुषों के विधान ना होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण के लिए शहादत, उनके परिवार की महिलाएं छत्राई हमारे बीच में है, उन सबको मैं वंदन करता हूं, उन सबको हम सम्मानित करें ताकि यह बलिदान की परंपरा कंटिन्यू रहे और आगे भी चलती रहे। मेरा अनुरोध है ये जो है ना अपना जो वीडियो दर्शन कर रहे ये जैसी घटनी उधर से बढ़ा ली, मेरा भी फोटो आ जाएगा बढ़िया है, सबको दे दी जाएगी बाद में। तो मैं अभी आमंत्रित कर रहा हूं, मैं बात कर रहा था इतिहास बनाने की। आज के युवा ये झंडा उतार सीधे पढ़ाई होगा और अपना कैरियर बनाए। एक बहुत ही नजदीक महावत पड़े आपके पास में सामने के दिन में जितेंद्र सिंह नाम कसवा है, जितेंद्र कसवा मैं यही बोले आ गए तो तक वो गांव से मात्र 100 रुपए लेकर के प्रधान लिया आप है।